हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सैरिश क्रॉनिकल्स। आज बनाएंगे हम चिकन कचौरी, और इसके लिए मैंने लिया है 4 कप मैदा, और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून घी और 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट। और इसके बाद इसको आपने नॉर्मल टेम्परेचर पे जो वाटर होता है उसके साथ आपने इसको अच्छे से गूंद लेना, जैसे नॉर्मल हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना, इसको थोड़ा सा हार्ड रखना है। घी डालने के बाद हाथों के साथ इसको मसलते हुए हाथों के साथ आपने इसको पूरे मैदा में जो है वो शामिल करना है और मिक्स करना है। जब आप इसको दबाएं तो आपके हाथ में ये बिल्कुल इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाए। ये इसलिए होता है कि इससे आपकी जो कचौरी है वो बहुत क्रिस्पी बनेगी। जब हम हलवा पूरी के लिए भी मैदा जो है वो उसको गूंदते हैं तो उसमें भी हम यही स्टेप फॉलो करते हैं, जिससे हमारी क्रिस्पी जो है वो पूरियाँ तैयार होती हैं। तो अगर आप यही स्टेप इसमें फॉलो करेंगे तो कचौरी भी बिल्कुल क्रिस्पी बनेगी। ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसको मैं ऑयल लगा के कम से कम आधा घंटा के लिए मैं इसको रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी, और तब तक मीन वाइल जो है हम दूसरा काम कर लेंगे। हम इसकी स्टफिंग जो है वो तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए मैंने 1 किलो चिकन लेके नमक डालकर बॉईल करके श्रेड कर ली है, 2 मीडियम साइज अनियन है जो मैंने काट लिया ऐसे बारीक, और 1 जो है ये बड़े साइज की कैबेज है जिसको मैंने चॉप किया हुआ है। वन कप ऑयल डालेंगे। इसकी कंप्लीट और डिटेल रेसिपी इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिख दूंगी। अब जैसे ऑयल जो है वो हल्का सा गर्म हो जाता है तो हमने इसमें प्याज डाल देने हैं। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस ट्रांसलूसेंट सा करना है, और उसके बाद जो है वो तमाम इंग्रेडिएंट्स जो बाकी हमारे हैं वो इसमें वन बाय वन हम डालेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के इसको हल्का सा इसके अंदर फ्राई करना है। अब इसमें डाल देंगे चिकन जो हमने शेड करके रखी थी। कैबेज डालने के बाद इसमें तमाम स्पाइसेस डाल देंगे, और स्पाइसेस में मैंने डाला है 1 चिकन क्यूब, और चिकन क्यूब अगर आपके पास नहीं हो तो आप चाइनीज़ सॉल्ट डाल सकते हैं और चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। चिकन क्यूब डाला है और रेड चिली फ्लेक्स डाली हैं, थोड़ा सा गर्म मसाला डाला, ज़्यादा नहीं डाला, और सॉल्ट डाला है, इसको अच्छे से मिक्स किया। वन टीस्पून हल्दी भी डालनी है, और इसके बाद इसको कुक होने के लिए छोड़ देना है। जब तक ये कुक हो रहा है हमने जो मिक्सचर कचौरियों में लेयर्स लाने के लिए यूज़ करना है हम उसको प्रिपेयर कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 4 टेबलस्पून जो है वो मेल्टेड बटर लिया है, और उसके अंदर डाला है 2 टेबलस्पून मैदा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसको सेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दें।
ये देखिए मैंने मिक्सर चेक किया, अब ये बिल्कुल ठीक हो चुका है और इसमें जितना भी मॉइस्चर था वो सारा ड्राई हो चुका है। बस इतनी टाइम तक हमने इसको कुक करना है। और जो कचौरी का मिक्सर होता है उसमें ऑयल बहुत कम यूज़ होता है ताकि इसमें ऑयल जो है ये छोड़े मत। बिल्कुल एंड में उतारने से पहले मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाली है और ज़ीरा पाउडर डाला है। इसकी अच्छा सही खुशबू जो कचौरी में बाज़ार वाली कचौरियों में होती है वो इन दो चीज़ों की होती है। और ये बिल्कुल आपने जब आपका मिक्सर रेडी हो जाए तो एंड में डालना, उसके बाद इसको कुक नहीं करना ज़्यादा। ये 4 कप मैदा के साथ मेरी जो कचौरियाँ हैं वो 19 जो है वो प्रिपेयर हुई थी। इस तरह से जब आपका मैदा सेट हो जाए तो आपने इस तरह इसको स्ट्रेच करते हुए दोबारा से एक फोल्ड दे देना है और उसके बाद इसके 18-19 जो है वो इक्वल साइज़ के आपने कचौरियों के लिए पेड़े निकाल कर रख लेने हैं और उनको सेट करने के लिए छोड़ देना है। कि तकरीबन 15-20 मिनट रेस्ट दिया था मैंने पेड़ों का, उसके बाद अब हम इसकी फोल्डिंग स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हाथों से लेते हुए आपने इसको प्रेस कर लेना अच्छे से। मैदा बिल्कुल सेट हो चुका है, अब आप इसको प्रेस करते हुए इस पर जो मैंने मिक्सर बनाया था उसको हम इसके ऊपर उसकी लेयर को लगाएंगे और हम इसकी फोल्डिंग जो है वो कर लेंगे। फोल्डिंग के जो है प्रोसीजर इसको आपने ध्यान से देखना है। एक बार जो आपका मिक्सर था उसको आप अच्छे से बीट कीजिएगा दोबारा से, उसके बाद फिंगर टिप्स के साथ लगाइएगा क्योंकि फिंगर टिप्स में आपका अपनी भी थोड़ी सी टेम्परेचर होता है जिसकी वजह से अच्छे से जो है ये स्प्रेड हो जाता है कचौरी के ऊपर। मिक्सचर को स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा जो है उसको आप डस्ट करें और इसको इस तरीके से आप फोल्ड कर लें। देखें इसकी कितनी लेयर्स जो हैं वो बन चुकी हैं ऑलरेडी, लेकिन अभी भी हम इसको दोबारा से एक और फोल्ड देंगे। बस इसी स्टेप को फॉलो करते हुए तमाम पेड़ों को फोल्ड दे दें। मैं दोबारा से आपको करके दिखा रही हूँ। अब आप इसको दोबारा से फोल्ड करेंगे उसी प्रोसीजर के साथ जो पहले बताया। इसको हमने 2 फोल्ड दिए हैं। अब देखें इसमें इतनी सारी लेयर्स बन चुकी हैं और जो बेकिंग पाउडर हमने डाला है उसकी वजह से तमाम लेयर्स जो हैं वो फोल्ड कर आएंगी कचौरी में जब हम इसको फ्राई करेंगे। अब हमारी स्टफिंग जो है वो भी ठंडी हो चुकी है। अब इसको इस तरह हाथों से स्प्रेड करते हुए आप इसको इक्वल कर लें अपने हैंड पे और जितना आपको मिक्सर चाहिए उतना आप इसके अंदर डालकर इसको बाइंड करना स्टार्ट कर दें। बाइंड करने के लिए आपने इसकी 4 साइड्स स्ट्रेच करते हुए बाइंड करनी है, उसके बाद 4 साइड्स और निकल आएंगी, उनको फिर दोबारा स्ट्रेच करते हुए आपने मिडल में इस तरह से बाइंड कर देना है। ये सेकेंड वे भी है इसको बाइंड करने का। इसमें बिल्कुल ऐसे ही आपने पहले हाथों से इसको स्प्रेड कर लेना है कचौरी के पेड़े को। अब इसके अंदर आप अपने जो मिक्सर रेडी किया था उसको डाल दें और इसके भी पहले 4 साइड्स जो आपको लेके उसको स्ट्रेच करते हुए बाइंड करेंगे और उसके बाद जो अदर 4 साइड्स हैं उनको बाइंड करने से पहले जिस तरह से आप उसको पहले से दोबारा बाइंड करेंगे, उसके बाद जो अदर 4 साइड्स हैं उनको आप दरमियान में रख कर इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इसी तरीके से सारी कचौरियाँ बना के रेडी करके रख लेनी है फ्राई करने से पहले, इनको थोड़ी देर के लिए आपने रेस्ट देना है। ये मैंने 15-20 मिनट्स के बाद इनको फ्राई करना स्टार्ट किया था। ऑयल देख लें बिल्कुल ठंडा है, इसमें कोई बबल्स बन के नहीं आ रहे। इसको ठंडे ऑयल में फ्राई करना है और आपका जो है आँच वो भी बहुत स्लो होनी चाहिए। इसको स्लो फ्लेम के ऊपर ही फ्राई करना है और ये डिपेंड करता है आपके पैन के साइज़ पे और स्टोव पे, लेकिन अगर आपको एक एवरेज टाइम बताऊँ तो 25-30 मिनट्स लगते हैं।
तमाम कचौड़ियों को फ्राई होने के लिए। मैंने 4 डाली थी तो मेरे अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स तक ये फ्राई हुई थी। देखिए जब इस तरह से हो जाएंगी तब आपने इसकी साइड जो है वो चेंज कर देनी है। अब इसको गोल्डन ब्राउन होने तक आप फ्राई कर लें। देखिए अभी से क्रिस्पी जो है वो कचौड़ियाँ नज़र आने लग गई हैं। ये देखें जी गोल्डन ब्राउन होने तक बिल्कुल फ्राई हो चुकी हैं, बहुत मज़ेदार बन के रेडी हुई थी। बस कचौरी की जो लेयरिंग है वो आपने बहुत ध्यान से करनी है। अगर बिल्कुल वैसे फॉलो करेंगे जैसे मैंने आपको बताया तो बिल्कुल एक एक लेयर जो है वो इसकी फूल के रेडी होगी और बिल्कुल बाजार जैसी क्रिस्पी बनेगी और वैसे ही लेयर्स बनेंगी कचौरी में। ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ कितनी क्रिस्पी और कितनी क्रंची हैं ये रेडी हुई हैं बनकर। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।